वेलकम बैक एवरीवन। तो शैंग-ची रिलीज भी हो गई और ब्लैक विडो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी आ गई, इसलिए जो लोग ब्लैक विडो थिएटर्स बंद होने की वजह से नहीं देख पाए थे वो अभी से देख सकते हैं। लेकिन आज हम ब्लैक विडो के बारे में नहीं, शैंग-ची के बारे में बात करेंगे। जिन्हें ब्लैक विडो मूवी के लिए डाउट है कि उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो आपके पास इस डाउट को दूर करने के लिए मैंने ब्लैक विडो के ऊपर पहले ही वीडियो बना रखी है जब ये मूवी रिलीज हुई थी। ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर जरूर से देख लेना और अपना डाउट दूर कर लेना कि ये मूवी कैसी है और देखनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के बारे में। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स मार्वल की एक सुपर हीरो की स्टैंड अलोन मूवी है जो कि काफी अलग है हमें अब तक दिखती आई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। मार्वल यूनिवर्स इस मूवी में हमें काफी अलग दिखाया गया है, जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें मोस्टली चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये चीज क्यों है और क्या है, वहीं पर यहां हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई गई है। मार्वल फैंस के लिए ये मूवी वाकई औसम है, पर क्या ऑल ओवर ऑडियंस के हिसाब से ये मूवी सच में औसम है? तो इसका जवाब सिंपल है, नहीं। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स एक ऐसी मूवी है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ट्रेडिशनल तरीके से अलग हटकर है। यहाँ पर हमें बिना किसी एक्सप्लेनेशन के खूब सारा मैजिक दिखाया गया है, काफी नए कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि आगे चल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे असर डाल सकते हैं या डालेंगे कि नहीं, इसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। प्लस इस मूवी में शैंग-ची के साथ साथ उसकी फैमिली का भी हमें ओरिजिन दिखाया गया है। प्लस इसमें हमें कुछ पोस्ट और मिड क्रेडिट सीन्स भी देखने को मिले, जिनको देख के एक नॉर्मल ऑडियंस में से कोई भी इंसान बड़ी आसानी से बोर हो जाएगा और इन सीन्स को समझ नहीं पाएगा, खासतौर से वो लोग जो कि मार्वल के फैन नहीं है या फिर मार्वल को फॉलो ही नहीं करते हैं। इसलिए ये मूवी एक तरीके से एवरेज ही रही नॉर्मल ऑडियंस के सामने। हाँ, नो डाउट मार्वल फैंस की नजरों में ये मूवी एक औसम मूवी है जो कि काफी अच्छा स्कोर भी कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, और इसके पीछे डिज्नी का भी हाथ है हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो कि करंटली वर्ल्ड का अभी सबसे बड़ा मूवी मेकिंग स्टूडियो है। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स स्टोरी है शैंग-ची की लाइफ के ऊपर कि कैसे वो बड़ा हुआ और सबसे जरूरी कहां पर बड़ा हुआ। ये मूवी इस कॉमिक बुक कैरेक्टर की लाइफ के चारों ओर रिवॉल्व करती है जो कि कंग फू में स्पेशलिस्ट है। प्लस अब तो टेन रिंग्स मिलने के बाद इसके पास काफी पावर्स जुड़ चुकी हैं। मैं एक दूसरी वीडियो में शैंग-ची की पावर्स और एबिलिटीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ फुल पोटेंशियल में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना अगर आपको शैंग-ची की पावर्स और एबिलिटीज में इंटरेस्ट है। लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस मूवी में हमें शैंग-ची की पावर्स को मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं दिखाया गया है। प्लस इस मूवी में हमें कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी दिखे, जैसे कि आयरन मैन 3 मूवी से बेन किंग्सले, जो कि फिर से नकली मैंडरिन के रोल के लिए हमें दिखते हैं, पर यहाँ पर असली मैंडरिन की कैद में है वो। असल में उनका कैरेक्टर ट्रेवर एक एक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिसे मैंडरिन के रोल में एक्टिंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चुनती है, और अब टेन रिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमें दिखती है जिसका हेड है मैंडरिन, जहाँ पर शैंग-ची के पिता यहाँ पर असली मैंडरिन है। सौ बात की एक बात, यहाँ पर शैंग-ची की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वेनवू यानी कि उसके पिता एक गांव में मिलते हैं उसकी माँ से, ली से, और इसके बाद शैंग-ची होता है और फिर उसकी बहन पर ली वेनवू से ये प्रॉमिस लेती है कि वो उसके साथ तभी रहेगी जब वो ये टेन रिंग्स उतार देंगे, सारे बुरे काम छोड़ देंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। पर ली अपना गाँव छोड़कर जब वेनवू के साथ रहने जाती है तो उसकी शक्तियां भी वहीं रह जाती है उसके गाँव में। पर एक दिन कुछ असैसिन्स आके शैंग-ची की मॉम को मार देते हैं और उसके डैड इस इवेंट के बाद टेन रिंग्स वापस से पहन लेते हैं और शैंग-ची को ट्रेन करते हैं असैसिन बनने के लिए। पर शैंग-ची अपने पहले मिशन पे जब जाता है तब वो घर वापस ही नहीं आता है, वो भाग जाता है। फिर 10 साल बाद वेनवू शैंग-ची को ढूंढ लेते हैं अमेरिका में और उसे वापस लेने आते हैं। घर वापसी होती है, वेनवू शैंग-ची से कहते हैं कि उसकी मॉम एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे से उन्हें बुला रही है, पर ये एक भ्रम होता है और शैंग-ची उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है, पर वेनवू नहीं मानते हैं। और ली जो कि शैंग-ची की मॉम है उसके गांव जाके गांव वालों से लड़के वो सीक्रेट दरवाजा तोड़ देते हैं, जिसकी रक्षा गांव वाले कर रहे थे बहुत टाइम से। शैंग-ची गांव वालों के साथ मिलकर कोशिश करता है उन्हें रोकने की, पर रोक नहीं पाता है। इसके बाद वेनवू का भ्रम टूटता है दरवाजे के साथ और एक बड़ा सा ड्रैगन जो कि इंसानों की या फिर किसी भी जीव की आत्माओं को खाकर पावरफुल बनता है बाहर आता है और अटैक कर देता है सभी पे, और सबसे पहले तो वो वेनवू को ही लपेट लेता है। लेकिन जाते जाते वो शैंग-ची को अपनी 10 रिंग्स दे जाते हैं जो कि काफी पावरफुल है शैंग-ची के कंग फू प्लस उसकी मदर के टैलेंट के साथ मिला के, जो कि उसकी मदर ने उसको बचपन में सिखाया था। इसके बाद शैंग-ची एक दूसरे व्हाइट और रेड कलर के ड्रैगन पे बैठ के उस दूसरे बुरे ड्रैगन को मारता है रिंग्स की हेल्प से, टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फिर वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वोंग दिखता है जो कि शैंग-ची को ले जाता है अपने साथ उसकी 10 रिंग्स को स्टडी करने के लिए, और वहीं पर हमें कैप्टन मार्वल प्लस ब्रूस बैनर भी दिखते हैं जो कि होलोग्राम में है और ये लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्या चीज है 10 रिंग्स। इसके बाद भी हमें शैंग-ची की बहन दिखती है जहाँ पर वो अपने डैड की जगह पर अब 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन संभालेगी और ट्रेनिंग करेगी सभी लोगों की।
और ये में भी एक दिक्कत बन सकती है आगे चल के, क्योंकि ट्रेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है बुरा ग्रुप और अब ये बुरा और भी हो सकता है, पर चांसेस वैसे भी कम है। आपको क्या लगता है इसको लेके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये थी वीडियो शैंगची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के ऊपर, इसकी पूरी स्टोरी के ऊपर जो मूवी में हमें दिखाई गई है। काफी कुछ मैं अपनी तरफ से बता चुका हूँ, कुछ आपको गलत लगा हो या कुछ आपको अपनी तरफ से बताना हो तो कॉमेंट्स में जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।